जब से इमरान खान ने आर्मी चीफ को पैगाम दिया है, इसके बाद से हुकूमत शदीद परेशान है कि अब हमारी छुट्टी होने जा रही है, अब एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ खड़ी हो जाएगी। इमरान खान के इस मूव पर दोस्तों एक लाइक जरूर करें कि इमरान खान ने दूर अंदेशी का मुजाहिरा करते हुए आर्मी चीफ के लिए पैगाम भेज दिया है, जिससे नून लीग तड़फ उठी है और अब नून लीग कह रही है कि हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसी को देखते हुए अब एस्टेब्लिशमेंट ने भी इमरान खान को जवाबी पैगाम जावेद चौधरी के जरिए पहुंचा दिया है। कल राणा सनाउला ने कहा था कि आर्मी चीफ के नाम बानी पीटीआई के पैगाम की कोई अहमियत नहीं। इमरान खान के आर्मी चीफ के नाम पैगाम पर हुकूमत का रद्द अमल जो है वो सामने आया। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी अमूर राणा सनाउला ने कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान का आर्मी चीफ के नाम मुबैना पैगाम काफी देर से आया है और इस पैगाम की कोई अहमियत नहीं। पीटीआई के फौज मुखालिफ बयानात को देखते हुए कोई इन पैगाम पर कैसे यकीन कर सकता है। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खान ज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए राणा सनाउला ने मजीद कहा कि पीटीआई वाले अपनी निजी महफिलों में कहते हैं कि हमारी बात हो गई है, नवंबर में चीफ जस्टिस बदलते ही इलेक्शन की तैयारियां करेंगे। यानी कि जैसे नून लीग कह रही थी कि साड़ी गल हो गई है, उसी तरह अब ये इमरान खान पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उनकी बात भी हो गई है, तो जाहिर है फिर जैसे को तैसा ही सही। अब जावेद चौधरी कहते हैं कि इमरान खान के पैगाम के बाद अब पीटीआई के एमएनएस आर्मी चीफ को एक खत लिखने जा रहे हैं। जावेद चौधरी के मुताबिक ये खत लिखा जा चुका है, सिर्फ भेजना अब बाकी है। जावेद चौधरी ने थोड़ी तनकीद की इमरान खान पर कि इमरान खान साहब ने इस आर्मी चीफ के लिए पैगाम भेजा है जिस पर वो काफी तनकीद कर चुके हैं और अपनी बीवी के हवाले से भी वो आर्मी चीफ पर इल्जाम लगा चुके हैं कि अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार आर्मी चीफ होंगे और मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। तो जावेद चौधरी ने कहा कि इमरान खान साहब ऐसे नहीं होता। जावेद चौधरी कहते हैं कि इमरान खान साहब सिर्फ एक हल है इस सब चीजों का, यानी ये जो आप पैगाम और खत लिख रहे हैं इससे कुछ नहीं होने जा रहा। आपको अब सिर्फ एक काम करना होगा और वो है माफी। आपको 9 मई के हवाले से कौम से माफी मांगना होगी, पब्लिकली माफी मांगना होगी और आपको 30 मिनट के अंदर अंदर ये माफी मिल जाएगी। जावेद चौधरी ये भी कहते हैं और कहते हैं कि इसके बाद फिर जो हालात है वो मामूल पर आना शुरू हो जाएंगे और मुमकिन है कि उसके बाद एक नेशनल हुकूमत बनाकर इलेक्शन की तरफ जाया जाए और इलेक्शन के बाद इमरान खान की हुकूमत आ जाए। तो आपकी राय दोस्तों इस पर क्या है? क्या इमरान खान आर्मी चीफ से माफी मांगेंगे, 9 मई पर माफी मांगेंगे या नहीं?